बोकारो दिनभर में आज पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में फंदे से लटका मिला एक महिला का शव बताएंगे। जिला प्रशासन ने क्यों आयोजित की हस्ताक्षर कार्यक्रम जानेंगे। सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए वेदांता द्वारा की गई पहल की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिनभर। बोकारो की सुर्खियों में झारखंड अभिभावक संघ ने उपायुक्त को क्यों सौंपा ज्ञापन, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले सामने आए, वहीं 853 की मौत हो गई। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 5 आतंकवादी। मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का कमांडर शामिल। दिल्ली में निजी स्कूलों को फीस में 15% की कटौती। जल्द ही मोदी कैबिनेट का बढ़ा विस्तार। पंजाब में बढ़ा बिजली संकट, उद्योग 2 दिन तक बंद। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 166 अंक और निफ्टी 42 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 210 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा, तो वहीं चांदी का दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोयला मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड कोयला के उत्पादन में 4थे नंबर पर। टाटा स्टील में कर्मचारियों को LTC 9,100 तक बढ़ा दिया गया है। अधिकतम राशि 38,600 रुपये मिलेंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96 नए मामले सामने आए, वहीं 156 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के छातामारा गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 25 वर्षीय एक महिला का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पिंडराजोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हर कोन से मामले की जांच कर रही है। छातामारा की रहने वाली है, यहाँ पर फांसी लगाकर मारी है, मेडिकल कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मोबाइल प्राप्त हुआ है, उसको चेक करेंगे, कॉपी चेक करेंगे उसमें क्या है नहीं है, उसमें लिखा हुआ अभी तक कुछ नहीं है, फांसी लगाने से मृत्यु हुई। बोकारो के BSL प्लांट से एक दुखद घटना सामने आई है। BSL में गुरुवार को एक मजदूर के खोलते लोहे के लेडल में गिरने से मौत हो गई। घटना प्लांट के SMS-2 के CCS विभाग में दोपहर 4:15 बजे की है। उनके साथ काम कर रहे सहयोगी का कहना है कि कैसी वायर को लेडल में फेंकने के दौरान शर्ट में फंस जाने की वजह से वो नीचे लेडल में जा गिरा। बोकारो इस्पात प्रबंधन ने मृतक की पत्नी सुनीता कुमारी को कंपनी में स्थायी रूप से नियोजन का नियुक्ति पत्र दिया है। वहीं प्रबंधन द्वारा घटना की जांच भी कराई जा रही है। वेदांता ने सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए एक पहल की है। गुरुवार को अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा भारत को सशक्त करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसमें सामाजिक विकास को मजबूत करने के लिए स्वस्थ गांव अभियान के तहत 1,000 गांवों के लिए टीकों सहित संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाएंगे, जहां 20 लाख लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा युवाओं को कौशल विकास योजना से जोड़कर उन्हें रोजगार अवसरों को भी बढ़ाने के साथ स्थिरता और प्रगति लाएगा। इस प्रकार का यह पहला सामाजिक कार्यक्रम अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के देखरेख में चलाया जाएगा, जो वेदांता की सामाजिक पहल के तहत चलाया जाएगा और अगले 5 सालों में इन लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए सभी तरह का विकास प्रदान करेगी। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब बोकारो में कुल एक्टिव केस 41 हो गए हैं। वहीं 13 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2,226 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। झारखंड अभिभावक संघ की ओर से 7 बार 7 गुहार के तहत आज दूसरे दिन राज्य के स्कूलों के सामने अभिभावकों ने मौन प्रदर्शन किया। इसके तहत बोकारो में भी झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बोकारो उपायुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। अभी हम लोग बोकारो उपायुक्त से मिले, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र राजी के नेतृत्व में झारखंड अभिभावक संघ का, और मिल्कन को उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जितनी जल्द हो सके आप यहाँ शुल्क निर्धारण कमेटी जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 है उसको लागू करें और यहाँ पर जिला स्तर पर कमेटी बने, और साथ ही जिन स्कूलों में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है उन सारे स्कूलों में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि उसी एसोसिएशन के माध्यम से जो
फीस से रिलेटेड कहीं कोई अगर निर्णय अगर स्कूल ले रहा है तो वो कमेटी से पहले जिला कमेटी के पास आएगा अनुमोदन के लिए, और जिला कमेटी फिर उसको देखेगी कि जो इसमें जो निर्णय स्कूल लिया है वो सही है या गलत है। और उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी अगर वो उसका अनुमोदन करती है तभी कोई स्कूल एक रुपया भी फीस बढ़ा सकते हैं या कोई भी जो और निर्णय लिए वो कर सकते हैं। और ऐसे भी इसमें प्रावधान दिया हुआ है कि 2 साल के अंदर सिर्फ 10% तक वो फीस बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय में जो स्कूलों ने उत्पात मचा रखा है, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 40% भी स्कूलों ने फीस बढ़ाया है, तो ये कमेटी बन जाती है तो इन सारी चीजों के ऊपर में एक अंकुश होगा और इससे अभिभावकों को भी काफी लाभ होगा, क्योंकि आज के समय में कई अभिभावक पैसे के अभाव में उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास से वंचित हो रहे हैं, उसका भी पीड़ा हम लोगों ने उनके सामने रखी है। तो उनके आश्वासन के बाद हम लोग को लगता है कि कम से कम बोकारो जिला के जो अभिभावक हैं थोड़ा रिलीफ उनको मिलेगा इस कमेटी के बन जाने से। जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द जिले में फीस निर्धारण समिति की गठित की जाएगी ताकि बोकारो के निजी स्कूलों और अभिभावकों को काफ़ी राहत मिले। सप्ताह भर के अंदर ये कमेटी जल्द से जल्द बोकारो में गठित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को गोपनीय कार्यालय परिसर में हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राजेश सिंह ने जापान में आयोजित ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। उपायुक्त ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी टीम इंडिया में झारखंड महिला हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निकी प्रधान, जबकि तीरंदाजी में दीपिका कुमारी हिस्सा ले रही है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को सोना ही लेकर आना संदेश के साथ शुभकामनाएं दी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा देश भर में चलाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से पूरे देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो बहुत जल्द देश में गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह सभी नागरिकों पर समान रूप से जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए लागू हो। सभी सरकारी सुविधाएं जो उस कानून को तोड़कर अधिक बच्चे उत्पन्न करें उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, साथ साथ उनका मताधिकार से दंपत्ति को वंचित किया जाए, यह मांग है। पिछले 10 सालों से 26वीं बटालियन में अपनी सेवा दे रहे डॉग रॉकी का निधन 30 जून की रात हो गई, जिसे गुरुवार को चास आईटीआई मोड़ स्थित 26वीं बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल प्रांगण में पूरे सैन्य सम्मान के साथ सभी अधिकारियों और जवानों ने विदाई दी। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज सुबह से ही लोग उमस भरी गर्मी से परेशान रहे, वहीं बिजली भी बाधित रहने के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई। बोकारो में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दोपहर 12 बजे से बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली कटौती जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक बोकारो में बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे सपन चैटर्जी द्वारा किया गया है, जिन्होंने 1 जुलाई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। सपन जी ने हमें कमेंट कर लिखा है, सर मेरा आपसे एक निवेदन है और ये है कि कृपया आप अपने प्रसारण में कुछ रोजगार, शिक्षा, बाजार तथा खेल विषयों के समाचार के बारे में भी बताने की कृपा करें, जिससे आपका ये कार्यक्रम सबके लिए और भी लाभकारी सिद्ध होगा। सपन जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमें जब भी रोजगार, शिक्षा, खेल और बाजार से संबंधित कोई भी खबर या जानकारी मिलती है तो हम उसे प्राथमिकता के साथ हमारे बोकारो दिनभर कार्यक्रम में दिखाया करते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी कार्यक्रम हम हमारे चैनल बोकारो टाइम्स में स्पेशल प्रोग्राम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर के जरिए दिखाया करते हैं। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।